बिसम ला रहीकुम अल्ला पाक से दुआ है अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को मेरे और आप के बच्चों को से ज़िंदगी और सलामती अता कर दे पाक मेरे और आप के बच्चों को अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बना दे दिन पे चलने वाला बना दे दिन सीखने और सिखाने वाला बना दे पा मेरे और आप सबके बच्चों को अपने वालदेन का फरमा बरदार बना दे पा जो बे उलाद है उनको उलाह दे दे जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे जरीज़ हैं उनको शिफ़ा दे दे मेरे अल्लाह पाक इंडिया कश्मीर फ़लस्तानी बर्मा के मुसलमानों की हिफाज फरमा अल्ला पा जो उन पर सितम हो रहा है अल्लाह पा वुलम उन पर ख़त्म हो जाए अल्लाह पा उन सब पर अपना फ़जल व करम कर दे मेरे अल्लाह पाक दुनिया के तमाम इंसानों को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचा ले अल्लाह पाक जो इस बीमारी में हॉस्पिटल में अला पाक उन सब को शफा दे दे मेरे अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों को दजाल के फितने से बचा ले मेरे अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर रमदान की रहमतें और बरकतें नाज़र फ़रमा ले हमारे हमारी हमारी नमाज़ें हमारे दुआएं और हमारे रोज़े कबूल फ़रमा ले अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दुनिया और आख़रत की खुशियां नसीब कर दे आमीन सुम आमीन या आलमीन आज का व्लॉग है ये मैं स्पेशल रम़ान के लिए बनाया है और मेरा हमेशा हमेशा बचपन से लेकर अब तक मेरा यही हाल यही हुआ है कि जब भी रमजान शुरू होता है तो मेरी स्पेशल किस्म की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और बस मेरा अचानक ही दिल किया कि फर्स्ट रूम से बेड उठा के तो अपने रूम में रख दूँ अब आई नो थोड़ी सी जगह तंग हो जाएगी लेकिन मेरा दिल था कि ज खुली खुली बिछें और जब हम नमाज पढ़ें और कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना हो रूम में तो वो जो सिंगल बेड मैंने रखा हुआ था फिर मैंने इसको उठा के मैंने बच्चों को बोला मेरे रूम में रख दें आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं दोनों भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक मिल के कर लेते हैं लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाने दे, कहते हैं मम्मी आपने कोई काम नहीं करना तो मेरा मकसद यकीन करें यही है कि हम अपने बच्चों को बताएँ कि रमज़ान आता है तो हम कितनी खुशी के साथ हम रमज़ान का अहमाम करते हैं और ये मैं समझती हूँ करना भी बहुत ही ज़रूरी है नई जनरेशन है और नए सोच के बच्चे हैं हमारे तो हमारा काम है एज ए पेरेंट्स कि हम इनको रमज़ान के बारे में बताएं और कि माँ बाप कितनी खुशी से ये मतलब ये काम कर रहे हैं वो देखें और वो मतलब इस चीज़ को अपनाएं तो फिर इसी वजह से मैंने ये प्लान बनाया आज मैंने कहा चलें ये मैं बेड अपने कमरे में रख दूँ मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरा कमरा मतलब तंग हो जाएगा लेकिन मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को नहीं सोचना पड़ता और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी हमने अपने बच्चों को ये भी बताना है कि इस महीने ज़कवात देनी है सतका निकालना है सद ये तो खैर किसी भी महीने में आप सदका वगैरह निकाल सकते हैं किसी भी टाइम निकाल सकते हैं लेकिन उन लोगों का ख्याल करना है जो ग़रीब हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ये वो महीना है जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़क़ात का ज़क़ात देनी है मेरे मैं, मैं तो यकीन करें मेरी नीयत तो ये होती है कि मैं कहती हूँ मेरी नीयत ऐसी है लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास तो जेवर ही नहीं है जक़ात तो हमारी बनती नहीं है मैं कहती हूँ कि बग़ैर जेवर के बग़ैर कुछ है या नहीं है आप ज़क़ात दें आप दें इस इस महीने में गरीबों के लिए ज़रूर निकालें ज़रूर निकालें मैं तो विश करती हूँ या अल्लाह इतना मुझे हो हम सब के अहस इतना हो कि हम लोग दिल खोल के सब के लिए खर्च कर सकें और निकाल सकें कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम लोग मुद्क़ात दे भी चुके होते हैं और लेकिन फिर भी दिल करता है कि नहीं जो है अभी यहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पर और करना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चों को ज़रूर हमें ये इस चीज़ के लिए गाइड करनी है बल्कि बल्कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा बल्कि कहें कि निकालते रहें तो इससे बच्चों को क्या होगा कि आदत पड़ेगी उनको पता चलेगा हमारा दीन का पता चलेगा और ये अभी मैंने कमरा ख़ाली किया है और यकीन करें बच्चों ने इसको प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है खदीजा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रही है मुझे समझ में नहीं आती मैं रमज़ान में इसको कैसे संभालूँगी यही है कि चलें मैंने इस रमज़ान में यकीन करें यही सोचा है इन शाला इन शाला ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है कुरान पढ़ना है और नमाज और नफ़ल वग़ैरह पढ़ने हैं इन क्योंकि इस रमज़ान में और मतलब हर रमज़ान में जो भी आप इबादत करते हैं उसका स्वाब डबल हो जाता है तो हम लोग क्यों ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं तो खदीजा छोटी है जैसा बच्चे जिनके छोटे होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ख़ैर मैनेज तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा तो ये मैंने कमरा ख़ाली किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ गूंज रही थी और बच्चों ने इसको खूब इंजॉय किया और बातें ऊँची ऊँची आवाज़ में कर रहे थे क्योंकि आवाज़ गूंजने की वजह से और मेरे दो जो बड़े बच्चे हैं वो भी बच्चे बन जाते हैं खदीजा के साथ उन दोनों को भी मुझे संभालना पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट ये मैंने कमरा साफ कर दिया नमाज के लिए और इसमें अब माशाल्लाह माशाल्लाह चार पाँच जा नमाज़ें आ जाती हैं तो बस अल्लाह पाक हमें तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की इबादत करने की और जितनी ज़्यादा हो सके हम इबादत करें तो ये कमरा साफ सुथरा हो जाए तो एटलीस्ट यू नो सुकून मिलेगा बच्चे आराम से मोहब्बत से जितनी ज़्यादा सफ़ाई हुई हुई हो घर में इतना इंसान सुकून से मोहब्बत से नमाज पढ़ता है रश नहीं होता तो इस कमरे को तो बिल्कुल एज़ इट इज़ मैं नमाज के लिए इंशाल्लाह रखूँगी पहले भी ऐसे ही था खैर और अब तो ज़्यादा है कि चलो माशाल्लाह रमज़ान का महीना है तो साफ़ सुथरा रखें तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं वो लो लोग कम से कम डालूं अभी रमज़ान के महीने में इबादत का ही है ज़्यादा प्रोग्राम इनशाला और दुआ का भी इन शाला इन ज़रूर रखूँगी मैं वीक में एक दफ़ा पिछले रमज़ान जो गुज़रा है मैं एवरीडे ऑलमोस्ट वो लोग डाल रही थी लेकिन उसके लिए टाइम निकालना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं एटलीस्ट वीक में एक या दो लोग डाल दिया क्या करूं थोड़ा सा अपडेट हो जाता है तो बस यही होगी हमारी रूटीन कभी कभी इंसान रूटीन दिखा बता देता है लेकिन ये मैं आप सब से ज़रूर कहूँगी कि आप शायद बिलीव करें या ना करें मैं नमाज़ में और मेरी बहुत सारी और भी बहनें नमाज़ में आप सबके लिए ज़रूर दुआ करती होंगी जिनके पास औलाद नहीं है मैं तो बाकायदगी से दुआ करती हूँ अलहमदिल्ला और जो कोई परेशानी में मब है कि अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे और जो मरीज़ है वो अल्लाह पाक उनको शफा दे ये मेरी दुआ ज़रूर होती है और कुछ ऐसी कमेंट्स आए हुए होते हैं वो मेरी यकीन करें कि नज़र के सामने होते हैं और ये खजूरों के दाने हैं ये बॉक्स में डाल के रखे हुए है। हैं इसमें ज़्यादातर अजवा खजूरों के सीड्स हैं तो ये भी मौका मिलेगा इन पढ़ने का और ये सारी टोपियाँ मैंने बच्चों के लिए उस के लिए गट्ठी करके रख दी और भी बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कहा अभी फ़िलहाल इतनी ही रख देती हूँ जब भी ये नमाज़ पढ़े और ये निकाल के तो वो पहन लें ईज़ी हो जाए तस्वीर सामान को ज़रूरत पड़ेगी इतर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ड्रो उठा के मैंने बच्चों के कमरे से मैंने यहाँ रख दिया और साफ़ किया इसको मैंने कहा इस सारी चीज़ें टोपी तो वगैरह तस्बियाँ वगैरह इसमें आ जाएंगी ताकि कोई भी चीज़ आपको एफर्ट ना करना पड़े ढूंढनी ना पड़े इजी हो अल्लाह पाक हमें इबादत करने की तोफीक दे और ऐसे ही हमेशा दे अल्लाह पाक हमारी नमाजों और दुआओं को कबूल करे तो मेहनत करनी पड़ती एफ़र्ट करनी पड़ती है और ये बहुत अच्छा लगता है रमदान में स्पेशली ये सारी सफाइयाँ करनी मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट रमदान सारी तरावियाँ पढ़ने के लिए जाते रहे हैं और इस दफ़ा क्योंकि जा नहीं सकते घर में ही ये उन्होंने पढ़नी है तो मैंने बच्चों को ये बोला मैंने कहा आप लोग उन्हें एक एक सपारा रोज़ आना पड़ना है तो फिर भी मैंने कहा इतना ज़्यादा मैं बर्डन अच्छी बात है अगर रोज़ आना पढ़ें खुद से पढ़ें लेकिन मैंने उनको बोला कंप्यूटर के ऊपर लगा लें और ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ सुने और इससे ये होगा कि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज होगी कुरान के बारे में तो ये भी मतलब अच्छा है कि अगर हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं आजकल तो इस तरफ बच्चों को थोड़ा सा लगा दें तो मोहम्मद आदम मेरा बेटा तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत अच्छा है मेरा अहमद थोड़े से सुस्ती कर जाता है लेकिन मुझे मोहम्मद आदम के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है उसने बोला ठीक है मम्मी मैं बिल्कुल करूँगा और उस्मान को भी बोला मैंने कहा उस्मान आप भी जो है तो कुरान पा एक ख़त्म करें क्योंकि चतरावियाँ तो भी हमें घर पे सिंपल तरीके से ही पढ़नी पड़ेंगी और उस्मान की इतनी अच्छी सेहत नहीं है ऑनेस्टली बिल्कुल भी अभी जो उनकी पीछे तबीयत ख़राब हुई है उनकी वीकनेस बिल्कुल भी उस्मान की नहीं जा रही और खांसी उनको अभी भी है लेकिन डॉक्टर से बात हुई थी उसने बोला था कि खांसी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है अभी रहे इतनी जल्दी खांसी नहीं जाएंगी तो वो मुझे यकीन करे वो एक अलग स्ट्रेस ही मेरे दिमाग में रहती है उस्मान की तो वो भी मतलब इतनी सेहत अच्छी नहीं है अगर त्ररावियाँ पड़ सकते हैं तो चलो सादे तरीक़े से पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है लेकिन इनशा इनशा उनकी नीयत है कि कुरान और त्राविया इनशा मैं पढ़ूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे रोज़े हमारी दुआएँ हमारी बातें कबूल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हम्दु पाक रमदान की खुशियाँ सब नसीब करें हामीन सुबाम I have white one. Why do we all wear white today? I want white. My head is big. Mine. Well, why are the, one of the is, is small. Nee, This one is small. one is fine. I to the you need to wear it. Yeah. I love white. This one looks too small. Mama, the Adam, they are all the same size. I huh? Huh? Pano, wear it. Wear it. I I Where is it? look good does we put in the draw mm. in the drawer. daddy needs it when he needs to read my white is my hair my white yes. is it's white it's white oh wow it's a white mm. my white is my clothes oh it i is. want to do this Yes, put it here. What? अभी हमने चार सन्नत पढ़े हैं और ये सारी माशाल्लाह जितनी भी तैयारी की है ये रमज़ान के लिए की है और ये दो हैं वहाँ पे इंशाल्लाह बाकी भी कुरान पाक रखूँगी बच्चे पढ़े। अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला मबारिक बस खदीजा छोटी है और ये थोड़ा सा हो रही है आई डोंट नो इसको तो जो चाहिए और रमज़ान में रोज़े रखे तो वैसे भी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अभी मोहम्मद आदम का इंतजार कर रहे हैं कि वो जमात करवानी है उसने इनशाला अभी एक और जनमाज यहाँ पे आएगी साइड पे जो मोहम्मद आदम जी गो बचे गो गो जर उससे जनमाज ले लो ठीक भाई ने जमात करवानी बचे गुड गर्ल हदीजा मोहम्मद आदम please, जी हरी अब बचे

नहीं। है? नहीं। अभी हम सब नमाज़ पढ़ के फारग हुए अलहदुल्ल मफारिक आज हमारा पहला रोज़ा है और यहीं पे नमाज़ पढ़ के लेट के सो गए ान मेरा दिल करे मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा है नहीं कर सकती और बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे मालिक मेरे अल्लाह पाक ये जो वायरस आया है वह अल्लाह पाक ये ख़त्म हो जाए और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे दे और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी इन शह किसी नए लोग के साथ दोबारा हाज़िर होंगी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे आमीन अल्लाह हाफिज़